Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will discuss about the types of respiration. Okay, so what is there are two types of respiration. एक होता है aerobic और एक होता है anaerobic. Aerobic respiration में क्या होता है? The breakdown of food substances like glucose takes place in the presence of oxygen with the release of a large amount of energy. It is called aerobic respiration. Means जब food substances का जो breakdown होता है, जैसे कि glucose है ना, तो takes place in the presence of, जब ये breakdown जो होता है food substances का, जब ये होता है in the presence of oxygen with the release of large amount of energy, it is called aerobic respiration. Large amount of energy भी उसमें release होती है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट. अब जैसे आपका ये है द ओवरऑल इक्वेशन जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो ऐसा दिखेगा. फूड होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है. इट विल रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट. मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड ग्रीन प्लांट्स रिस्पायर एरोबिकली. ज़्यादातर एनिमल्स और इंक्लूडिंग आदमी, इंसान, सब एंड ग्रीन प्लांट्स, दे ऑल रिस्पायर एरोबिकली. द टर्म एरोब इज यूज टू डिस्क्राइब सच ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म एरोब यूज हुआ है. ठीक है, नाउ एरोब्स जो ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एरोब्स. वॉट आर एनएरोब्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पायर करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स. ठीक है, तो एनएरोब्स जैसे रेस्पिरेशन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस विद द रिलीज ऑफ अ, रिलीज क्या होगा इसमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा. इट अकर्स इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट में या कुछ बैक्टीरिया में, इन ऑर्गेनिजम्स को एनएरोब्स कहा जाता है. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, जैसे कि यीस्ट में और बैक्टीरियाज में. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन टू एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो रिलीज थोड़ी सी कंपेरेटिवली लेस एनर्जी रिलीज होती है. अब इक्वेशन क्या होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, फूड ग्लूकोज देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, नाउ एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इंसानों में हमेशा तभी होगा, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इंसानों में, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स, ये हमारे मसल्स में होता है. जब हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे अंडरगो वगोरस मस्कुलर एक्टिविटी होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत तेज़ तेज़ दौड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. मस्कुलर क्रैम्पिंग जो होती है वो भी एक डेवलप कर देता है एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी एक्सरसाइजेज या फास्ट रनिंग. इन फैक्ट जब मसल सेल्स रिस्पायर एनरोबिकली करते हैं, तो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो क्रैम्पिंग होता है, मसल क्रैम्पिंग होता है. नाउ फूड ग्लूकोज है इन मसल सेल, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड जो होगा जब ये एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ये मसल क्रैम्पिंग को कॉज करेगा. नाउ अब रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स कैन बी ऑब्टेन बाय अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज. अभी इन मसल क्रैम्पिंग से आपको आराम कैसे मिलेगा, हॉट वाटर बाथ लेना पड़ेगा या फिर मसाज लीजिए. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज इम्प्रूव बाय दीज एक्ट्स, हॉट वाटर बाथ से जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा इन हॉट वाटर बाथ से या मसाज से. एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होगा जो शॉर्ट हो गया है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज से,
जो मसल्स को रेस्पायर करने के लिए एनरोबिक करने के लिए कॉज कर रहे हैं वो मसल इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ब्रेकडाउन. अब जो सप्लाई का इंक्रीज ऑक्सीजन का सप्लाई होगा जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देगा लैक्टिक एसिड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. नाउ एनरोबिक और एनरोबिक में डिफरेंसेस देख लीजिए. इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल एनरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें फूड जो होता है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. इसमें क्या होता है, फूड पार्शियली ब्रेक होता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में. इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसका जो है ओवरऑल इक्वेशन सी है, फूड ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी. यह देखिए फूड ग्लूकोज हो रहा है नेगेटिव ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू.